हेलो बच्चों, मैं हूं विकास गुप्ता और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ऐसे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी भी है। क्लास 11 का ये चैप्टर बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग है और ये चैप्टर अगर आप लोग नहीं जानते हैं, अगर आप लोगों को ये चैप्टर नहीं पता है तो क्लास 11 के बहुत सारे मैथ्स और क्लास 12 के बहुत सारे मैथ्स में आप लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है, तो इसी कारण इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अब यहां पे सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है और वो टू वर्ड क्या है, तो टू वर्ड है ट्रिगोनोन और दूसरा मैट्री। ट्रिगोनोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मैट्री का मतलब होता है मेजर करना। तो जिस साइंस में, जिस मैथ्स में हम लोग ट्रायंगल को मेजर करना सीखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है ये तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग ये जानते हैं कि क्लास 11 में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के पहले, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले उसके फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का सबसे पहला जो हम लोगों को पढ़ना है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा है साइन 90° माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है सर, कॉस थीटा होता है। बट सर आप लोगों को ये नहीं पढ़ाया गया था कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 270 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 360 माइनस, अच्छा पहले 270 ले लेते हैं, 270 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है और साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है। तो ये सारे फॉर्मूले को आप लोगों को क्लास 11 और 12 के लिए सीखना है, हर जगह काम है, लेकिन ये चैप्टर तो 11 का है बट 12th में भी इसका बहुत ज्यादा वर्क होगा। तो अगर साइन में इतने सारे फॉर्मूले बन रहे हैं तो वो कॉस में भी होंगे, टेन में भी होंगे, कॉट में भी होंगे, सेक में भी होंगे और कॉसेक में भी होंगे। तो ये सारे फॉर्मूले को आप लोगों को याद रखना है। तो सर फॉर्मूला तो बहुत सारा हो गया, अब याद कैसे करेंगे, तो टेंशन मत लीजिए, बहुत ही इजी ट्रिक है इस फॉर्मूले को याद रखने का। तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक ग्राफ लेते हैं और वो ग्राफ क्या है सर, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये चार क्वाड्रेंट दिख रहे हैं, तो इस चार क्वाड्रेंट को हम लोग लिख देते हैं, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है अगर हम बात करते हैं, यहां 0° मान लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये 90° होगा, ये 90 प्लस 90 ये 180° होगा, 180 प्लस 90 ये 270° होगा, 270 प्लस 90 ये वापस यहां पर आकर क्या हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो अब यहां पर दैट मीन्स जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो 0° से 90° के बीच में है, इसका एंगल क्या है 0 to 90°, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट जो है वो 90 to 180° है, थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो 180° to 270° है,
एंड थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो 270 डिग्री टू 360 डिग्री है, ये चीज है। चलिए कुछ स्लोगन के बारे में बात कर लेते हैं। पहला स्लोगन याद रखोगे, आफ्टर स्कूल, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आप लोग बोलोगे सर पता है कि कोई स्कूल के बाद कॉलेज होता है। तो यहां पर देखिए चार वर्ड्स हैं और ये चार वर्ड्स को हम क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड ये फोर्थ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये आफ्टर, आफ्टर का ए वर्ड ले लो, ए का मतलब ऑल। सेकेंड क्वाड्रेंट से क्या वर्ड आया, पहला लेटर एस, एस से क्या बनता है साइन, और साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है यानी कि ऑपोजिट, क्लास टेन में सिखाया गया था ना कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, ठीक है। और अगर हम यहां पे बात कर लेते हैं, चलिए बात कर लेते हैं पहले क्या होगा, साइन, साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा होता है, तो देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा होता है, टेन का दो फॉर्मूला होगा, एक तो हो गया साइन बाई कॉस और दूसरा क्या हो जाता है वन अपॉन टेन थीटा, ये आप लोग क्लास टेन में पढ़े थे, यानी कि टेन सॉरी कॉट थीटा, यानी कि टेन जो है वो कॉट का उल्टा हो गया। अच्छा कॉट थीटा जो है उसका क्या होगा कॉस बाई साइन, कॉस अपॉन साइन या वन बाई टेन थीटा। उसी तरह सेक थीटा जो हो गया वो क्या हो गया वन बाई कॉस थीटा, सेक वन बाई कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा जो हो गया वो क्या हो गया वन अपॉन साइन थीटा, ठीक है ये बात कर लेते हैं। से देखिए कॉसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा, तो साइन का उल्टा क्या हो गया कॉसेक हो गया। अच्छा थर्ड में आते हैं टी, दैट मीन्स टेन, तो ये हो गया टेन, टेन थीटा, और टेन का उल्टा क्या दिख रहा है सर कॉट थीटा, तो टेन और यहां पर कौन लेंगे कॉट थीटा। अच्छा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो सी, सी से क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होता है सर देखो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो कॉस का उल्टा हो गया सेक थीटा, ठीक है। अब यहां पे हम लोग अगर बात करते हैं सर कॉस का उल्टा सेक थीटा हो गया, अब यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे कि ये क्या है सर, तो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। यही है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये क्या है, तो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन से कॉसेक तक सब पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे अदरवाइज सारा नेगेटिव होगा, यानी कि कौन कौन नेगेटिव होगा सर कॉस सेक टेन और कॉट, उसके बाद इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे अदरवाइज सारा नेगेटिव होगा, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे अदरवाइज सारा नेगेटिव होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। एक और याद रखना है सेकेंड रूल, इसमें देखो 90 और 90 का अपोजिट क्या है 270, दैट मीन्स 90 एंड 270 में चेंज होगा, चेंज होगा, तो सर चेंज क्या होगा, आप चेंज लिख दिए चेंज होगा, क्या चेंज होगा, तो एक्चुअली क्या होता है कि 90 और 270 में हम लोग क्या करते हैं, जब 90 और 270 का बात है, जैसे यहां पे देखिए यहां पे 90 का बात हो रहा है, यहां पे 270 का बात हो रहा है, ये दोनों में नहीं, यहां 180 360 है, इसमें नहीं, 90 वाले में और 270 वाले में, तो 90 और 270 में चेंज होगा, यानी कि सर साइन को हम लोग कॉस लिखेंगे और कॉस को हम लोग साइन लिखेंगे, उसी तरह टेन को कॉट लिखेंगे और कॉट को टेन लिखेंगे, जब उसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे अभी हम बताएंगे कैसे। उसके बाद सेक को कॉसेक लिखा जाता है और कॉसेक को सेक लिखा जाता है, कैसे किया जाता है वो बता रहे हैं। और सर 180 और 180 का जस्ट अपोजिट 360, तो 180 और 360 में क्या होगा, तो 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, तो नो चेंज का मतलब सर, नो चेंज का मतलब यह है कि साइन को साइन ही रहेगा, कॉस को कॉस ही लिखेंगे,
ठीक है, 10 को 10 ही रहने देंगे, मतलब जो जैसे है उसी तरह रहने दो। फिर उसके बाद कॉट को कॉट ही रहने देंगे, उसके बाद सेक को सेक ही रहने देंगे और कॉसेक को कॉसेक ही रहने देंगे। ये हुआ 180 और 360 का मतलब, मतलब इसमें और ये दोनों में, 180 और 360 में। ये तो हो गया। अब सर ये फॉर्मूला कैसे बनेगा इस ग्राफ से? ठीक है, ये ग्राफ बहुत ही आसान है, ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत टफ है, बहुत ही आसान है। अब देखो होगा कैसे। अगर साइन 90, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि साइन 90 प्लस, यानी कि 90 मोर देन 90 प्लस, दैट मीन, अच्छा यहां से बात करते हैं, कॉस थीटा था ना, तो सर कॉस थीटा कैसे आया? 90 माइनस, यानी कि लेस देन 90, लेस देन 90, 90 से कम, तो सर 90 का लाइन ये वाला हुआ, 90 से कम कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट सबसे पहले क्या है? 90 है, तो 90 में सर चेंज होगा? हाँ सर 90 में चेंज होता है, तो साइन का क्या लिखते हैं? कॉस लिखते हैं, तो साइन को क्या लिख देंगे? कॉस लिख देंगे। और सर 90 माइनस, यानी कि लेस देन 90, तो 90 से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं, दैट मींस प्लस का साइन होगा। देखो आ गया ना प्लस कॉस थीटा। अच्छा यहां पे बात करते हैं, सर 90 प्लस, सबसे पहले तो 90 देखो, 90 में सर चेंज होगा? हाँ होगा, तो साइन का कॉस लिखेंगे। फिर 90 प्लस, 90 मोर देन 90, 90 मोर देन 90 क्या हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो कौन प्लस में होता है? साइन और कॉसेक प्लस में होता है। सर यहां क्या है? क्वेश्चन को देखो, जो आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, जो दिया हुआ है उससे मतलब है, जो आ रहा है उससे मतलब नहीं है। तो यहां क्या है सर? साइन है, साइन पॉजिटिव में होता है, तो पॉजिटिव यहां लिख देंगे। अब बोलोगे सर यहां कॉस था तो नेगेटिव लिखना चाहिए था, हम क्या बोल रहे हैं? जो आ रहा है उससे मतलब नहीं है, जो दिया हुआ है उससे मतलब है, उसके अकॉर्डिंग साइन साइन देखेंगे, प्लस या माइनस। ठीक है, अच्छा अब इसमें आओ सर 180, सर 180 में नो चेंज, यानी कि जो जैसे है साइन का साइन ही रहेगा। 180 माइनस, यानी कि लेस देन 180, तो 180 का लाइन ये हुआ, 180 से कम कौन हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो सर साइन है पॉजिटिव होगा। फिर सर 180 में नो चेंज, तो साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन का साइन ही लिखेंगे। अब 180 प्लस, तो सर 180 प्लस यानी कि मोर देन 180, 180 मोर देन 180 में कौन कौन पॉजिटिव है? 10 और कॉट पॉजिटिव है, यानी कि सर साइन जो है वो नेगेटिव होगा। दैट मींस इसका फॉर्मूला क्या बना? साइन 180 प्लस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन थीटा। उसके बाद 270, सर 270 में चेंज होगा, तो साइन का कॉस लिखेंगे, तो साइन का क्या लिख देंगे? कॉस लिख देंगे। अब सर 270 माइनस, यानी कि लेस देन 270, 270 का लाइन कौन हो गया? ये हो गया, तो लेस देन यानी कि इधर, तो लेस देन 270, तो 270 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट क्या है? पॉजिटिव है, 10 और कॉट पॉजिटिव है, तो साइन है यहां पे, ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। फिर 270, तो 270 में चेंज होगा सर, तो साइन को क्या लिखेंगे? कॉस लिखेंगे। 270 प्लस यानी कि मोर देन 270, तो मोर देन 270, 270 से ज्यादा, 270 से ज्यादा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस में, तो यहां क्या है सर? साइन है। यहां नहीं देखेंगे, यहां देखेंगे, यहां साइन है, तो ये क्या होगा? माइनस में होगा, क्योंकि सर कॉस और सेक को प्लस में रखना है, यहां तो साइन है, तो साइन का आंसर यानी कि माइनस में होगा। फिर सर 360 में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता, देखिए 360 में नो चेंज, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 360 माइनस नो चेंज यानी कि साइन का साइन ही रहेगा। 360 माइनस यानी कि लेस देन 360, 360 का लाइन कौन सा हो गया? ये लाइन हुआ 360 का, तो इससे लेस देन इधर हुआ, मोर देन ऊपर हुआ। तो लेस देन है, तो लेस देन में कॉस और सेक पॉजिटिव है, कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो सर यहां तो साइन है, ये तो नेगेटिव होगा। फिर आ गया 360, तो 360 में नो चेंज, तो सर नो चेंज यानी कि साइन का साइन ही लिखेंगे। और मोर देन 360, मोर देन 360 का मतलब क्या हुआ? 360 का लाइन ये मोर देन यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव यानी कि सारे पॉजिटिव होंगे, यानी कि ये तो जो है वो पॉजिटिव। कितना आसान है, समझ में आया? तो ये हम लोगों का
साइन कॉस टेन कॉट किसी का भी एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये पूरे 11 और पूरे 12th में आप लोगों को काम आने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद अभी तो मैंने आप लोगों को सिर्फ इसका फॉर्मूला बताया, अभी और देखते हैं। देखिए, अगर यहां पे हम लोग इस ग्राफ से किसी का भी फॉर्मूला निकालते हैं, सपोज मान लो कॉस 270 प्लस थीटा का हम लोगों को पता करना कितना होगा, 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा, तो यहां पर देखो सबसे पहले 270 है, तो 270 में सर चेंज होगा, हाँ होगा सर, कॉस को क्या लिखेंगे, कॉस को साइन लिखेंगे, तो यहां साइन लिख दो, 270 प्लस यानी कि मोर देन 270, तो मोर देन 270 ये हो गया, मोर देन 270 ये हो गया, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस में होते हैं, तो सर यहां क्या है, कॉस है, यानी कि ये प्लस में होंगे, तो कॉस 270 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या बना, प्लस साइन थीटा। एक और बात करते हैं, अगर मान लो टेन 180 माइनस थीटा रहता, तो सर ये 180 है, 180 सर 180 का अगर बात करते हैं तो यहां पे 180 में नो चेंज होता है, नो चेंज, तो 10 का 10 ही लिखेंगे, 10 को क्या लिखेंगे, 10 ही लिखेंगे, और 180 माइनस दैट मींस लेस देन 180, तो 180 का लाइन ये हुआ, लेस देन क्या हो गया, ऊपर आ गया, तो लेस देन 180 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस में होता है, यहां तो 10 है, ये तो माइनस में होगा। बात समझ रहे हो, तो आप लोग क्या करोगे, सॉरी जो मैंने आप लोगों को बताया अभी उससे साइन से रिलेटेड जितना फॉर्मूला करवाया, कॉस टेन कॉट से कॉसेक, सबसे आप लोग इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कोशिश करोगे उस सारे फॉर्मूले को करने का, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ, तो अब देखिए हम लोगों को क्वाड्रेंट चार भाग में, 0 से 360 के बीच में चार भाग में क्वाड्रेंट को बांटा गया था, पहला 90, दूसरा दूसरा क्या था 180, तीसरा 270 एंड चौथा यानी फोर्थ 360 डिग्री। 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, पाई, 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, पाई, इसे पाई कहा जाता है। ये जो है, ये जो वैल्यू मैंने लिखा 90 180 270 360, देखिए डिग्री में लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू है वो डिग्री में है, डिग्री में, और ये जो वैल्यू हम पाई के फॉर्म में लिखेंगे, किसी भी एंगल को पाई के फॉर्म में मेजरमेंट करना, दैट इज ये क्या होता है, ये रेडियन होता है, इसे रेडियन कहा जाता है। तो किसी भी एंगल को डिग्री में ऐसे लिखा जाता है, रेडियन में पाई के फॉर्म में लिखा जाता है। तो देखिए 180 का मतलब पाई हो गया, अगर 90 लिखना हो तो 180 का हाफ यानी कि पाई बाई 2, 270 लिखना हो तो 93 जा, तो 90 कितना है, पाई बाई 2 है और इंटू 3, सॉरी पाई बाई 2 है इंटू 3, यानी कि 270 का क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 2। अच्छा, और 360 180 का डबल होता है, तो 180 का क्या है, पाई है, तो इसका डबल कर दो 2 पाई, सॉरी तो 90 को अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो पाई बाई 2, 180 को रेडियन में लिखेंगे पाई, 270 को रेडियन में लिखेंगे 3 पाई बाई 2, और 360 को अगर रेडियन में लिखेंगे तो 2 पाई। ये चीज हुआ, बात समझ में आई, तो ये हम लोगों का डिग्री और रेडियन हुआ, ठीक है। तो अगर डिग्री है और रेडियन है, डिग्री और रेडियन, चलो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि क्लास 10 तक में आप लोगों ने साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को पता था, आप लोगों ने याद भी किया होगा उस चार्ट से, किसी ने ट्रिक से याद किया होगा कि कोई किसी ने रट के याद किया होगा, लेकिन याद किया होगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का
रूट थ्री बाई टू एंड साइन 90 का 1। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 750 डिग्री का एंगल क्या होगा या थाउजेंड में या लाख में, तो आप लोग कैसे निकालोगे, कैसे फाइंड करोगे? बोलो सर उतना तो याद है नहीं, याद है भी नहीं और याद हो भी नहीं पाएगा। उसके लिए जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, बस उस ट्रिक को यूज करके हम लोग किसी भी एंगल के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, चलिए ये देखते हैं। अगर सपोज पहला साइन 750 डिग्री, तो हम लोग ये देखेंगे कि 750 डिग्री किसके नियरेस्ट है, ये चारों एंगल में 360 के, तो 360 से डिवाइड कीजिए 750 को, तो 362 जा 720 आया। दैट मींस 750 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 360 इंटू टू प्लस 30। बचपन में पढ़ते थे ना कि डिवाइडेंड निकालने के लिए डिविजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर किया जाता है, ये फॉर्मूला पढ़े हो। तो ये निकालने के लिए ये इंटू ये प्लस ये, तो वही चीज है, 750 को ये इंटू ये प्लस ये लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, ये देखिए यहां 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ जाए इससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो एन का वैल्यू चला जाता है, नंबर ऑफ एंगल्स, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूले में कोई हेर फेर नहीं होता, जो है जैसे वैसे रहेगा। तो यहां पर सर बात करते हैं, सबसे पहले देखिए साइन 360 प्लस थीटा, देखिए फॉर्मूला में आया साइन 360 प्लस थीटा, तो साइन 360 में चेंज होता है, नहीं सर चेंज नहीं होता है, 360 में जो रहता है वही हो जाता है, तो साइन का साइन ही लिखेंगे, तो साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री, और 360 प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन थीटा पॉजिटिव होंगे, यानी कि प्लस, और साइन 30 का वैल्यू तो आप लोगों को याद है 1/2, तो देखो साइन 750 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, हाफ होगा। एक और देखते हैं, अगर सपोज मान लो आप लोगों से पूछ दिया 210 डिग्री का वैल्यू, अब सर आप लोग देखोगे कि 210 डिग्री किसके नियरेस्ट है, तो सर 180 के नियरेस्ट है, 180 में कितना प्लस करें कि 210 है, तो सर 30 प्लस कर दीजिए, तो यहां पर क्या लिखेंगे 10 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब यहां पे देखो 180 है, तो 180 में भी सर कोई चेंज नहीं होता है, तो 10 का 10 ही रहेगा, तो 10 का 10 ही रहेगा, और थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री। 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस में होता है, तो 10 और कॉट प्लस में होता है, सर यहां क्या है, यहां भी तो सर 10 ही है, तो ये प्लस में होगा, तो प्लस का प्लस 10 30 का वैल्यू 1/√3, तो 10 210 का वैल्यू 1/√3 होगा। क्लियर है? अगर हम और बात करते हैं, सपोज टू हो गया, एक और सेक, इसमें अगर हम लोग बात कर लेते हैं, कौन सा बात करें, 1180 डिग्री, नहीं 11 नहीं 1080, ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले ये किसके नियरेस्ट है, सर 360 के नियरेस्ट है, तो 360 से 1080 को डिवाइड करो, तो 360 से 1080 को डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 360 into 3 बार में तो बहुत कम हो जाएगा, 3 बार में लगाओ, 3 का क्या हो जाएगा 0, 6 3 जा 18, 1 कैरी हुआ 3 3 9, 1 10, एक्यूरेट आ गया है ना, एक्यूरेट आ गया इसका वैल्यू, तो आ छोड़ो, अगर एक्यूरेट आ गया दैट मींस अगर 360 into 3 into 3 तो पूरा एक्यूरेट वैल्यू आ गया, और तो नीचे क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0, यानी कि सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 360 into 3 plus 0 डिग्री लिख सकते हैं ना। अच्छा सेक 360 का मतलब नो चेंज, तो सर सेक का सेक ही रहेगा, और जीरो का तो सेक थीटा 0। अब देखो यहां पे ये 0 डिग्री है,
अब देखो यहां पे 360 प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो यानी कि ये पॉजिटिव होंगे, और जब ये पॉजिटिव होता है तो सेक जीरो का वैल्यू क्या होगा सर, तो सेक जीरो डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन, तो ये प्लस वन। बात समझ में आई? ठीक है, आप लोगों ने देखा कि सेक जीरो डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। क्लियर है? चलिए और आगे बात करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि वो इक्वेशन में दिए हुए रहते हैं। अब इक्वेशन को में हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इक्वेशन में अगर क्वेश्चन गिवन होगा तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए उसको देखते हैं। पहले रेडियन में देख लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन अगर मान लो कि हम लोगों के पास दिया हुआ है साइन 17 पाई बाई 6, तो पाई में है, ठीक है, पाई में हम लोगों का वैल्यू। तो आप लोग एक ये तरीका भी यूज कर सकते हो कि पाई के जगह 180 पुट करके डायरेक्ट इसको डिग्री में चेंज कर दो। तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं, साइन 17 इंटू पाई के जगह क्या पुट करेंगे, 180 डिग्री। अभी मैंने बताया पाई का वैल्यू 180 होता है, डिग्री में चेंज हो गया, 630 जा 180, तो क्या हो गया साइन 17 इंटू 30, 510। ठीक है, ये 510 हो गया। अब 510 सर ये चारों में किसके नजदीक है, 0, 90, 270 एंड 360, इसमें किसके नजदीक है, तो सर ये 360 के नजदीक है। तो 360 से ये कितना कम है सर, तो 510 माइनस 360 0, 11 से 6 माइनस हुआ 5, एक कैरी हुआ 4 से 3 माइनस हुआ 150। दैट मींस साइन अगर 360 में हम 150 प्लस करते हैं तो 510 आएगा। साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा सर, साइन थीटा होगा, तो थीटा की जगह क्या है 150। क्यों सर थीटा होगा, क्योंकि देखो साइन, साइन में कोई चेंज नहीं होता है, यह मतलब 360 में कोई चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन ही लिखे, और 360 प्लस साइन 360 प्लस थीटा यानी कि साइन थीटा, और 360 प्लस मोर देन 360 कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दैट मींस ये पॉजिटिव होंगे, ये तो हो गया। लेकिन सर साइन 150 का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, तो अब 150 किसके नियरेस्ट है, 90 के, तो 90 में कितना प्लस करें कि 150 आ जाएगा, तो 60 प्लस करने पर, तो 150 को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस 60। अब देखो सर 90 का मतलब चेंज होगा, तो साइन को क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, तो साइन को क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, कॉस 60 डिग्री। और 90 प्लस यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा प्लस में होता है, तो सर यहां साइन है तो इसको प्लस में लिखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, जो गिवन है उसको देखेंगे, आंसर को नहीं, ये तो कॉस में, इसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो माइनस हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, यहां क्या है सर साइन है तो वो प्लस में होगा। तो कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 कॉस 60 का वैल्यू, तो साइन 17 पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होगा 1/2 होगा। तो आप रेडियन को डिग्री में चेंज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये एक इजी तरीका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को देखते हैं। अगर यहां पर ये क्वेश्चन आ गया, और अगर वर्ड्स प्रॉब्लम में आया आप लोगों का, तो वर्ड्स प्रॉब्लम में अगर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो कैसे यहां पे सॉल्व होगा, ठीक है, चलो उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि सपोज मान लो सॉरी यहां पे दिया हुआ है साइन एक्स, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर साइन एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 12/13, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, जो बचपन में हम लोग बनाते थे, आज इजी, ठीक है। तो सर सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन अगर सॉल्व करेंगे, देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जितने टाइप्स के क्वेश्चन है वो हम मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोग सॉल्व करो, अगर कोई डाउट हो तो वो कमेंट में पूछो, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो साइन एक्स इक्वल्स टू 12/13, तो साइन एक्स इक्वल्स टू 12/13, तो आप लोगों ने क्लास 10 में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अच्छा फॉर्मूला यहां लिख देते हैं, क्या होता है साइन
स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन, ये पढ़े थे। तो सर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स उधर जाकर क्या बनेगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, या अगर कॉस स्क्वायर एक्स को इधर लिखेंगे तो साइन स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहां से अगर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर आकर अंडर रूट, इधर से स्क्वायर हटाते हैं इधर आकर अंडर रूट, तो ये फॉर्मूला बना। तो सर कॉस थीटा को कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं। तो यहां पर देखा जाए कि वन माइनस साइन एक्स का वैल्यू क्या है, 12/13, तो 12/13 होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 12 का होल स्क्वायर 144, 13 का होल स्क्वायर 169, तो क्या हो गया 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169, तो 169 माइनस 144 25/169, 25 रूट के बाहर आकर क्या बनेगा 5, 169 13, तो cos x का वैल्यू क्या आ गया 5/13। सर मुझे sec x का वैल्यू चाहिए, और आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि सर sec x, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया sec x equals to क्या होता है 1/cos x, तो सर sec x, अब एक काम करो नाउ फॉर्मूला डायरेक्ट लिखो, क्या किसका वैल्यू पता करना है, sec x प्लस tan x का। अच्छा sec x को क्या लिख सकते हैं 1/cos x, और tan को क्या लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, ये लिख सकते हैं। तो यहां देखो 1 अपॉन cos, cos का वैल्यू कितना आया 5/13, लिख दो 5/13, प्लस sin का वैल्यू कितना था 12/13, और नीचे cos है, cos का वैल्यू कितना है 5/13, 13 कैंसिल, 13 थर्ड टर्म्स में कहां जाएगा फर्स्ट टर्म में 13/5, और प्लस यहां क्या बचा 12/5, यही ना, तो 5 और 5 का एलसीएम 5, और 13 प्लस 12 कितना हो गया 25, तो 5 5 25, दैट मींस 5, इसका आंसर क्या आ गया 5, बहुत ही आसान है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में या तो आप लोगों को एंगल निकालने के लिए कहा जाता है, जो मैंने आप लोगों को इसके पहले बताया, जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया उस ग्राफ से उसको याद करना है, कैसे याद करना है वो तरीका भी मैंने सिखाया, वो याद रखोगे तो किसी भी एंगल को 750 डिग्री 1080 डिग्री लाख में 1000 में आप लोग कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और एक तरीका ये इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देता है, तो आप लोग क्या करो कि 11 के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का सबसे जो पहला है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये चैप्टर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करो, अगर कोई डाउट हो तो वो कमेंट्स में हमसे पूछो, ठीक है। और ये बहुत ही आसान, और इसको करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आने वाले बहुत सारे चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री का यूज होगा, और जब ये फॉर्मूला आप लोगों को नहीं पता होगा तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लास ऑफ करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।